तिरंगा हिंदुस्तान, एक ऐसी बगिया जिसमें रंग बिरंगे फूल अलग अलग किस्मों के अलग अलग सुगंधों के साथ, हर फूल अपने महक से इस बगिया को महकाता रहा। यहाँ आजान की आवाज है तो गुरुद्वारे की गुरुवाणी, मंदिर से आते शंखों की ध्वनि है तो गिरजाघर से घंटों की आवाज। हर आवाज हर ध्वनि एक दूसरे को छूती हुई एक नई धुन बनाती, एकता और अमन का, शांति और भाईचारे का। और यही तो इस मूल की खूबसूरती। क्या कर रहे हो बच्चों? हम सब खेल रहे हैं अंकल, रेलगाड़ी चुप 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 चुप। इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाते रहो और गुनगुनाते रहो। अच्छा ये बताओ, रेलगाड़ी पर बैठकर कहाँ जाते हैं? जब आती है होली प्यारी, राम के घर पहुंचाती गाड़ी, मिलकर रंग गुलाल उड़ाते, पुआ पूरी और मिठाई। चुप 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 रेलगाड़ी, चुप 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 रेलगाड़ी। सबने अपनी भागीदारी थी, पर कुछ लोग हैं
भारत की एकता पसंद नहीं, वे एक दूसरे को लड़ाकर बस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सच्चा सिख चाचा जी कहते हैं कि
जगत के बंदे गुरु के बंदे होते हैं और सभी को प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। ये ऐसा नहीं मानेगा, तो भी मंत्र देना होगा। मंत्र सुनाऊं, इनके बीच में फाइट कराऊं, तोड़ के इनकी स्ट्रांग यूनिटी, अपना अपने को चलाऊं। गंदा अंकल का भंडा गंदा, हम साथ साथ रहते हैं।